के भागलपुर के पंचायत स्तर पर बहाल शिक्षक जो बाद में नियोजित शिक्षक कहलाए उन पर अब गाज गिर सकती है। भागलपुर के रंगरा प्रखंड में 2003 से 5 और 2006 में पंचायत स्तर पर बहाल शिक्षा मित्रों को अवैध बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूँ खुशबू झा। बताया जा रहा है कि इनके नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है। इसको लेकर भागलपुर के डीईओ ने पहले ही आदेश जारी किया था कि साल 2003 और साल 2005 के पंचायत शिक्षा मित्र और साल 2006 के पहले चरण के पंचायत शिक्षक के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया। दरअसल भागलपुर जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने पिछले महीने डीईओ से ये सूचना मांगी थी कि 2003, 2005 और 2006 में कितने शिक्षकों की बहाली हुई। इसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी मांगी थी कि उन शिक्षकों की बहाली में रोस्टर का पालन किया गया था या नहीं। इसके बाद मुखिया संघ के अध्यक्ष को डीईओ ने बताया कि इन सालों में पंचायत स्तर पर बहाल शिक्षा मित्र और पंचायत शिक्षक फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि मदरौनी पंचायत के पूर्व मुखिया ने वहां लाखों रुपए लेकर बहाली की थी। डीओ साहब से मिलने के लिए आए हुए थे हम। पिछले महीने ही हमने डीओ साहब से एक सूचना मांगा था, जिस सूचना में ये मांगा था कि 2003, 2005 और 2006 में हमारे यहाँ कितने टीचर बहाल हुए थे और उन टीचरों का जो है कि मतलब रोस्टर के अकॉर्डिंग बहाली हुई है कि नहीं हुई है, इसकी हमें जानकारी दी जाए। तो डीओ साहब के द्वारा हमें आवेदन का रिप्लाई दिया गया। उसमें बोला गया कि 2003, 2005 और 2006 में जितने भी टीचर बहाल हुए हैं आपके यहाँ, वो टोटल ही फर्जी हैं। इसी आधार पे हमने इनको लिखी, ये मतलब डीडीसी को भी दिया था, डीएम साहब को भी दिया था और कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया था कि इन लोगों को यदि नियोजन की प्रक्रिया से यदि हमको रद्द करना है तो इन लोगों के द्वारा एक लेटर मिले, उसके बाद हम इन लोगों की नियोजन समिति से अथी करके और इन लोगों को हम इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश करेंगे। इस मामले में भागलपुर डीईओ संजय कुमार ने कहा 2003 से 2005 और 2006 में जो पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, जिनको बाद में 1 जुलाई 2006 से नियोजित शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई, ऐसे सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र अवैध है। मदरौनी पंचायत के मुखिया जो वर्तमान में है उनके द्वारा यह आप बताया गया कि जो पंचायत शिक्षा मित्र थे जो कि बहाली 3 और 5 में हुई थी, जिनको बाद में 1 जुलाई 2006 से पंचायत शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई और वो वर्तमान में कार्यरत हैं, वैसे कुछ शिक्षकों की जो प्रमाण पत्र हैं वो वैध नहीं है, अवैध है। मैंने मुखिया जी को ऐसे के स्पष्ट किया कि आप चिन्हित कर लें, और चूंकि आप ऐसे के की कमेटी नियोजन इकाई की कमेटी को ही कार्रवाई करनी है, वही प्राधिकृत ऐसे के प्राधिकार है, अतः आप कार्रवाई करके मुझे ऐसे सूचित कर दें, मेरे द्वारा उनको अनुमोदन कर दिया जाएगा। साल 2003 से 2005 और 2006 में बहाल शिक्षा मित्र और पंचायत शिक्षकों को नियोजन से जुड़े कागज देने को कहा गया है। इसको लेकर मुखिया संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया था। उन्होंने डीईओ से मुलाकात कर आवेदन दिया था, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उनकी सूची देने के लिए कह दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इसके बाद वो ऐसे चिन्हित शिक्षकों के बारे में लिखित आदेश जारी करेंगे, जिसके बाद मुखिया उनका प्रमाण रद्द कर सकते हैं।